मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक व्यक्ति को रेप करने की ऐसी सज़ा मिली कि वो ज़िंदगी में ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकता और उसे अपनी इस गलती का ज़िंदगी भर पछतावा होगा। दरअसल सीधी में रेप की कोशिश करने वाले को महिला ने बहुत अच्छा सबक सिखाया है। महिला ने घर में घुसकर रेप की कोशिश करने वाले व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को काट डाला और पुलिस चौकी पहुंचकर खुद ही इसकी जानकारी पुलिसकर्मियों को दे दी। एमपी के सीधी जिले के उमरिया गांव में एक महिला ने अपने घर में घुसे एक व्यक्ति का गुप्तांग धारदार हथियार से काटकर अलग कर दिया। ये व्यक्ति महिला के घर में घुसकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार रात करीब 11 बजे रमेश साकेत नाम का व्यक्ति महिला के घर में जबरन घुस गया और महिला के साथ रेप करने की कोशिश करने लगा और जब महिला ने इसका विरोध किया तो रमेश ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे नाराज महिला ने गुस्से में धारदार हथियार से रमेश का गुप्तांग काट दिया, जिसके बाद वो पुलिस चौकी शिकायत करने पहुंची और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं जब इस बारे में आरोपी से पूछताछ हुई तो मामले की दूसरी तस्वीर सामने निकल कर आ गई। आरोपी का कहना है कि महिला ने सांप मारने के बहाने से उसे घर में धोखे से बुलाया और जबरदस्ती उसका गुप्तांग काट दिया। आरोपी ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच खेतों को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसका बदला लेने के लिए महिला और उसके परिवार वालों ने ऐसा काम किया है। साहब 10:30 बजे हम गए खेत में मोटर चालू करे, मोटर चालू किए वहाँ से लौटन 11 बज गया रहे। वो औरत आप अपने अगर हम ठड़ी रहे और मन से रुपये लड़कियों पर लुके रहे वहीं, तब फिर ये कहा कि मिस कैसे आप हमारे घर सांप डेहरी माता से कान लागे भाई तो मार दे हमारे लड़के मन से वहाँ पौड़े लागे हमारे दीदी के सास कहें थे तो क्यों नहीं आई घर में तो खा ली हमका हो गन तो कन देखी देख कहाँ है तो कैसे वह डेहरी के लगे बंगड़ा लाग तो जैसे वो कोई अगने के द्वारक सोझ हम जाई थे अगने में रह गया कि झक से निकले तो पकड़ के ढोंस के लगे भीतरे अलागे मार है मारत 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 पहले देखी ना सबके हड़ताई पड़ी है और फिर काकी ने इसकी हंसिया टेके दिन इसी मेहरिया का फिर इस साल के लड़का बाप छाती चढ़े रहे जोला या सोन अब एक छोटका वाला लड़का अब मेहरिया पकड़ के फिर काटी सी यमे है कोई आपकी पुरानी बस वह खेत के साहब वह आ रही है कि खेत वो बैठे पंडित के लाए रहा या पहले अपना तो वह चोरी चमारी की तो वह नहीं दीनी आशा हम खा दे दीनी तो वह इनकी विवाद है साहब साढ़ में कहे रहा के रह तो हम बताओ तो जान ले दिखा दी अब राति रात 108 गए तो लेके चली आई साहब हम कहा कहीं हाँ अब कहा जानी ऐसा नंबर रही है तो शायद बैठाई थी उनका दलों रह गए कि नहीं रह गए। कल रात्रि में देर रात्रि रमेश साकेत जो रामपुर रैकिन थाने के उमरिया गांव के निवासी हैं उनको हमारे यहाँ उपचार के लिए लाया गया। उन्होंने अपने ऊपर हमला होने की बात बताई और उनके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं गुप्तांग उनमें चोट थी वो अलग लेके आए थे और हमारे चिकित्सकों ने तत्काल उनका उपचार शुरू किया और उसके रीप्लांटेशन जो कहते हैं प्रत्यारोपण के संबंध में संभावनाओं के बारे में बातचीत की, जिसकी बहुत कम संभावना पाई उन्होंने क्योंकि समय काफ़ी हो गया था, पर फिर भी उसके लिए अभी भी हमारे चिकित्सक जो हैं उनका भर्ती करके उपचार कर रहे हैं। स्थिति उनकी सामान्य है, भर्ती है और लेकिन इस बात की संभावना कम है कि उनका प्रत्यारोपण हो पाए। वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूज़ डेस्क।